माल रोड पर माल रोड व्यापारिक संघ ने जन जागरण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में एसपी सोलन मधुसूदन शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ साथ सोलन के नागरिकों ने भी भाग लिया और उन्हें पेश आ रही दिक्कतों और परेशानियों को एसपी सोलन के समक्ष रखा। अधिक जानकारी देते हुए माल रोड व्यापारिक संघ के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच की खाई को कम करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने पहल की है। इस कार्यक्रम के तहत जिला पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से सीधे तौर पर बात की और सोलन के नागरिकों ने भी बेखौफ होकर अपनी समस्याएं मुख्य अतिथि के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि कई लोग पुलिस के समक्ष अपनी बात रखने से डरते हैं और समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं और उनका यही डर निकालने के लिए इस कार्यक्रम को माल रोड पर आयोजित किया गया है। पुलिस प्रशासन के साथ एक जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री मधुसूदन शर्मा जी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सोलन की पब्लिक के लिए एक जो पुलिस के प्रति एक होता है गैप होता है कि पुलिस पर जाने से उनको जो डर है उसको दूर करने की कोशिश की गई और अपनी अपनी समस्याएं उन्होंने एसपी साहब के साथ शेयर की और उससे कि ताकि लोगों को पुलिस के कार्यप्रणाली के रूप अच्छी कार्यप्रणाली जो पुलिस करती है उसके बारे में अवेयर लोगों को करने के लिए एक कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सोलन के नागरिकों ने माल रोड से जुड़ी समस्याओं को उनके समक्ष रखा है जिन्हें प्राथमिकता देते हुए वह जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वह माल रोड व्यापारिक संघ के साथ मिलकर शहर को सुंदर और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज सोलन शहर में माल रोड पे यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ आके उनकी समस्याएं सुने। तो यहाँ पर जो आम समस्या है वो स्कूटरों को लेके है कि एक तो स्कूटर पार्किंग कम है और दूसरा जब शाम के समय माल रोड खुलता है तो स्कूटरिस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसको और भी बढ़ाएंगे और यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के व्यापारी वर्ग ने भी मुझे ये आश्वासन दिया है कि वो भी हमारा साथ देंगे और वॉलंटियर्स देंगे और हम साथ मिलके इस जगह को बेहतर बनाएंगे।